महाराजा छत्रसाल की परम पावन नगरी छतरपुर में स्थित महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्थाओं को देखा जा सकता है, जिससे यात्रीगण बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं और उनमें रोष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि रेलवे परिसर में रेल कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा क्वार्टर नहीं बनाए गए हैं। स्टेशन में कोच डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। वाटर कूलर न होने के कारण यात्रियों को शीतल पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि छतरपुर रेलवे स्टेशन से वर्तमान में 3 ट्रेनें अप डाउन कर गुजर रही है और बरौनी से अहमदाबाद, अंबेडकर नगर से प्रयागराज और खजुराहो से कुरुक्षेत्र ट्रेन अप डाउन कर रही है, जिसमें रोजाना 400 से 500 यात्री यात्रा कर रहे हैं। बावजूद इसके रेल मंत्रालय एवं भारत सरकार का छतरपुर रेलवे स्टेशन की अव्यवस्थाओं की ओर कोई ध्यान नहीं है और कुछ यात्री टिकट काउंटर नियमित न खुलने की शिकायत करते पाए गए। स्टेशन पर उप प्रबंधक सुभाष कुमार ने बताया है कि टिकट काउंटर रिजर्वेशन के लिए प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुला रहता है। इस समय UTS टिकट होते थे वह बंद है। साथ ही में उन्होंने बताया है कि प्रयागराज से अंबेडकर नगर ट्रेन अभी सप्ताह में 3 दिन अप डाउन करती है, परंतु 11 और 12 जुलाई से यह ट्रेन प्रतिदिन चलने लगेगी। जी, आपका शुभ नाम? सुभाष कुमार। क्या क्या पद है आपका यहाँ रेलवे विभाग? स्टेशन मैनेजर। अभी कुछ यात्री बता रहे हैं कि वो टिकट लेने के लिए घूम रहे थे, क्या व्यवस्था है टिकट के लिए यात्रा करने के लिए? अभी तो यह UTS टिकट जो है, जो जनरल टिकट होते थे, वो भी बंद है। केवल रिजर्वेशन जो है टिकट 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुली हुई रहती है, केवल रिजर्वेशन टिकट के लिए। इस छतरपुर रेलवे स्टेशन से कितनी ट्रेनें गुजर रही हैं? अभी तो फिलहाल 4 हैं, एक बरौनी अहमदाबाद है, एक प्रयागराज अम्बेडकर नगर है, एक खजुराहो कुरुक्षेत्र है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। कहाँ जाना है? हमें पलवल जाना जी। अच्छा, तो क्या टिकट ले लिया है? नहीं, टिकट नहीं मिला, हम पता नहीं, उनसे पूछे थे, बताया ना नीचे टिकट मिलता है। अच्छा, कब से बैठे? तो 3 बजे का बैठा हूँ जी। टिकट काउंटर यहाँ नीचे है, तो वहाँ जाके देखा कि वो खुला है कि बंद है? ना जी, मैंने वहाँ तो मैं गया नहीं, मैंने इनके पास यही देखा, मैं टिकट यही पूछा मैंने। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।